होते हैं जो अपनी वफादारी निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, बल्कि इंसानों के अपने तो इतने गिरे हुए होते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। ऐसी बेवफाई करने वाले अपनों से हजार क्या लाख गुना बेहतर ये जानवर होते हैं। दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि ये जानवर कितने वफादार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंबर वन, एशियन शीप हेड रैस। दोस्तों, क्या आपने कभी एक मछली और इंसान के बीच की दोस्ती की बात सुनी है? नहीं सुनी होगी, लेकिन आज पहली बार आप इसे देख भी लीजिए। दोस्तों, ये कहानी है जापान के एक स्विमर और समुद्र के नीचे की एक मछली के बीच की। आपने एशियन शीप हेड रैस का नाम सुना होगा, ये एक समुद्री मछली है। बात यूं हुई कि जापान के स्विमर नाकामुरो जब समुद्र के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक मछली काफी ज्यादा चोटिल है। उस मछली को इतनी गंभीर चोट लगी थी कि वो समुद्र में तैर भी नहीं पा रही थी। वो कई दिनों से भूखी थी, ऐसा लग रहा था कि उसका मरना तय है। लेकिन नाकामुरो ने उस चोटिल मछली की मदद की, उसे खाना खिलाया, वो भी कोई एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे के पूरे 18 दिनों तक। रोज वो समुद्र के नीचे जाकर उस मछली को खाना खिलाते थे। कुछ दिनों बाद मछली पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, वो बिंदास एक बार फिर पानी के अंदर तैरने लगी, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों, मछली और नाकामुरो के बीच हमेशा हमेशा की दोस्ती हो गई। दोस्तों, आज 10 साल हो गए हैं नाकामुरो और इस मछली के बीच की दोस्ती हुए। कई साइंटिस्ट तो इनके बीच के रिलेशन पर स्टडी भी कर चुके हैं और सबने माना कि ये एक रियल फ्रेंडशिप है। इन दोनों को देखकर एक बात तो साफ नजर आती है दोस्तों, वो ये है कि अगर आपका दिल साफ है तो दुनिया में आपको दोस्तों की कमी कभी नहीं खलेगी। वैसे ही आप हमारे दोस्त हैं और हमारी ये दोस्ती भी हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगी। नंबर टू, बिग बर्ड द पेलिकन। दोस्तों, ये